रियासी में हिट एंड रन का मामला जो है वो सामने आया है और इसमें महादेव के करणदेव सिंह जो है वो घायल हुए हैं। इस समय उन्हें रेफर किया जा रहा है, एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की ये लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। महादेव में ये घटना जो है वो पेश आई है, एक कार ने इन्हें हिट किया है और फिर उसके बाद कार से उतरने के बाद भी फिर से इन पर हमला करने की कोशिश की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि इन्हें पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में लाया गया और अब यहां से रेफर किया जा रहा है और काफी सारे लोग, महादेव के लोग, इनके पहचान वाले रिश्तेदार यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस घटना का विरोध भी कर रहे हैं और अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल, इनके अनुसार इन्हें यहां पर वो सुविधाएं नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो हिट एंड रन का मामला जो है वो रियासी के महादेव में सामने आया है। यहां पर करणदेव सिंह को एक कार ने हिट किया है और उसके बाद कार सवार अपनी कार के साथ वहां से फरार हो गया है। तो डिटेल में भी किसी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ एग्जैक्ट वहां पर हुआ था। फिलहाल जो है करणदेव सिंह जो कि महादेव के रहने वाले हैं, पुत्र स्वर्गीय स्वर्ण सिंह, और करीब 40 वर्ष इनकी आयु जो है वो बताई जा रही है। भाजपा से भी ये जुड़े हुए हैं, भाजपा की जो मीटिंग्स है उनमें भी देखे जाते हैं, भाजपा से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और तफसील से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ सामने वहां पर हुआ था वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है करणदेव सिंह को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से रेफर किया जा रहा है और कहां जाएंगे, नारायणा अस्पताल जाएंगे या जीएमसी जम्मू जाएंगे, ये जानकारी भी लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें रियासी के महादेव में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां पर एक कार ने करणदेव सिंह जो कि महादेव के ही रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 9 के रहने वाले हैं, उन्हें हिट किया और उसके बाद जिला अस्पताल रियासी इन्हें लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार देने के बाद अब इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, माफ करिएगा, जीएमसी जम्मू या फिर नारायणा ले जाया जा रहा है। यहाँ पर अब बेहतर इलाज के लिए इन्हें ले जाया जा रहा है। अंदर इधर बैठे बैठे अंदर कौन जाना भैया पापा जाओगे ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਸਰ ਪਾਪਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇ ਤਰਾ ਰਸਤਾ ਕਰ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ये तस्वीरें आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से देख रहे हैं। एक बार फिर बता दें जो नए लोग जुड़े हैं इस लाइव वीडियो में कि रियासी के महादेव में करीब 1 घंटा पहले 1.25 घंटा पहले हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां पर एक कार ने करणदेव सिंह जो कि महादेव के रहने वाले हैं, पुत्र स्वर्गीय स्वर्ण सिंह, आयु करीब 40 वर्ष, एक कार ने उन्हें हिट किया है जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी लाया गया और अब यहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद इन्हें आगे के लिए रेफर किया जा रहा है। एम्बुलेंस में उन्हें डाल दिया गया है और अब उन्हें नारायणा या जीएमसी ले जाया जाएगा। पूरा मामला क्या हुआ था वो भी जो प्रत्यक्षदर्शी से कोशिश करेंगे, अगर उनसे बात हो पाई या फिर महादेव के निवासी जो हैं जिन्हें पूरी जानकारी है उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की लाइव इस समय देख रहे हैं। करणदेव सिंह जो कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें एक कार ने हिट किया है महादेव में। महादेव मंदिर से जब हम नीचे महादेव शिला चौक की तरफ जाते हैं उसी सड़क पर ये घटना जो है वो पेश आई है और राकेश नाम का एक लड़का बताया जा रहा है जो कटरा का रहने वाला है। जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके द्वारा इन्हें हिट किया गया है। जो यहाँ पे स्थानीय जानकारी हमें दी है, हिट करने के बाद वो वहां से फरार हो गया और अब पुलिस भी इसकी जांच कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि राकेश जो है वो नशे से भी जुड़ा है, नशा भी करता है और जिस तरह से एक सीसीटीवी फुटेज भी किसी ने हमें दिखाई है वहां पे देखा जाता है कि किस तरह से वो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। पहले किसी बात को लेकर बहस होती है, कार जो है वो सड़क पर लगाई जाती है राकेश द्वारा, उसके बाद करणदेव सिंह जो ये कहा जाता है उनके द्वारा, करणदेव सिंह द्वारा कि कार को साइड पर कर दो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और राकेश द्वारा अपनी कार से उन्हें हिट कर दिया जाता है। तो एम्बुलेंस यहां से निकल चुकी है, यहां पर एडवोकेट पवनदेव सिंह भी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पवनदेव जी क्या जानकारी मिली है, क्या हुआ था पूरा मामला? देखिए अंजित जी,
बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मुझे एक फोन आता है, जो अभी ये लड़का जो इंजर्ड हुआ है करण देव, तो इसने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे हमारे मोहल्ले में कोई चिट्ठा भेज रहा है, तो हम कुछ लोग इकट्ठे होकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तुरंत SHO रियासी को उसी टाइम फोन किया, मैंने कहा SHO साहब महादेव मंदिर के पास कोई मसला बन गया है, तो कोई आप अपनी पुलिस पार्टी भेजे। उन्होंने कहा मैं अभी भेजता हूँ तुरंत। उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हमने करण को फोन कर रहे थे, ये फोन नहीं उठा रहा था, तो मुझे उसी मोहल्ले से किसी दूसरे युवक का फोन आया कि करण देव जो है वो सीरियसली जख्मी हो गया है, कोई गाड़ी वाला था उसने उसको उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, जो भी बंदे वहां खड़े थे गाड़ी चढ़ा दी थी। तो हमने इमीडिएटली पता किया, तो उन्होंने कहा उसको शफाखाना रियासी ले गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, फिर आप हॉस्पिटल में आए। और उससे भी दर्दनाक जो हादसा हुआ वो हमें हॉस्पिटल में आने के बाद हुआ। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचे उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल से इसको अभी शिफ्ट करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा जम्मू। मैंने कहा भैया इसको देखो तो सही, जो कोई इसको फर्स्ट एड तो दो। तो अल्टीमेटली मैंने कहा भजा गया है रेफर करने की, कहते हमारे पास सीटी स्कैन करना पड़ेगा इसका। मैंने कहा सीटी स्कैन मशीन जो हमें नॉलेज है रियासी के अंदर है? कहते नहीं जी, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसकी रिपोर्ट लेट आती है। मैंने कहा भैया ऐसे मत करो, आप इमीडिएटली उसको जो भी कंपनी है जिसके पास टेंडर है आप उसको बोलो कि इमरजेंसी है, आप इमीडिएटली इसका सीटी स्कैन करो। उसके बाद उन्होंने सीटी स्कैन किया। सेकंड जो हॉस्पिटल का बहाना था, उन्होंने कहा कि रियासी अभी इसको सर्जन की जरूरत है। मैंने कहा हमें जो पता है यहाँ सर्जन भी है, आप बुलाइए सर्जन को। उसके बाद थोड़ी देर बाद खैर जो डॉक्टर सर्जन थे वो भी आए, उन्होंने कहा ये ठीक है। फिर फिजिशियन को भी बुलाया गया मौके पे, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि नहीं इसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जम्मू में भेजना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सुपरिटेंडेंट रियासी जो है, क्योंकि आज दिन हम सोशल मीडिया में आप लोगों के माध्यम से देखते रहते हैं कि अस्पताल के अंदर किसी ना किसी को बिना वजह परेशान किया जाता है। किसी को कहा जाता है कि बाहर से टेस्ट कराओ, किसी को कहा जाता है मेडिसिन बाहर से लाओ। भाई अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, फ्री मेडिसिन दी जा रही, क्यों नहीं दी जाती अंदर से? और बाद में जब मैंने सुपरिटेंडेंट से 5 कॉलेज, अंचित जी मैं आपको बताऊं, मैंने उसको की, उन्होंने मेरी सिंगल कॉल अटेंड नहीं की। कोई इमरजेंसी थी हमने कहा कि, बाद में हमें कहा गया कि एम्बुलेंस के लिए 108 पे कॉल करो, 108 पे भी किसी ने पहले कॉल नहीं उठाई। फिर जब बात हुई उन्होंने कहा कि हमारे पास जो 2 एम्बुलेंसेस हैं वो इस वक्त वहां नहीं है। मैंने कहा भाई साहब वो कब गई हैं, कहां गई हैं, मुझे पेशेंट का नाम बताइए किसको लेके गई हैं, क्योंकि आए दिन एम्बुलेंस का भी इस हॉस्पिटल के अंदर जो मसला बनता है हम सोशल मीडिया में आप लोगों के माध्यम से देखते रहते हैं। यहाँ पूरा बाजार का एक बंदा जिसपे एक कातिलाना हमला हुआ और उसकी जान लेने की कोशिश की गई, अगर उसके साथ भी पूरा बाजार उसका मल्ला जहां कम से कम 100 बंदे इकट्ठे हुए थे, उसको भी आते ही कहा गया कि रेफर किया जाए, उसको ही कहा गया कि जहां सीटी स्कैन नहीं हो सकता। पहला बहाना ये था कि सीटी स्कैन नहीं हो सकता। भाई साहब उसके बाद मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता अगर मशीन है? कहते हमने किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है। देखिए ये जिला रियासी नहीं है, ये एक हमारा पवित्र जिला है रियासी में, जहां एक तरफ माता वैष्णो का निवास है, एक तरफ भोलेनाथ बैठे हैं शिवकोड़ी में, ये एक यात्रा का वाला डिस्ट्रिक्ट है जहां जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा यात्रा आती है। और इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक खाली एक नाम दिया गया है, रेफरल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और सबसे अफसोस की बात है वो सुपरिटेंडेंट जो आए दिन कहता है कि मैंने हॉस्पिटल को पहले नंबर पे लाके रखा है, 5 मिस कॉल जाने के भी कोई आधी रात नहीं हुई थी, उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाई। मैंने उनका स्क्रीन शॉट खींच के रखा है, आगे की कार्रवाई हमने उनके साथ क्या करनी है, क्योंकि हमने पूरे हॉस्पिटल में देखा कि सुपरिटेंडेंट यहाँ कहीं मौजूद नहीं था। हमला किसने किया था, जानकारी मिल पाई है? क्या नाम है? हमारी जानकारी में राकेश नाम आ रहा है कटरा का, और ये कहा जा रहा है कि नशे के साथ भी वो जुड़ा। बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज में भी हम देख रहे हैं कि वो अपना आपा खो चुका था, ऐसे में खतरा मानते हैं आप? देखिए रियासी के अंदर आपने देखा है कि नशे की वजह से किस तरीके से कितनी लोगों की जान गई है, और यही सुनने में आया है कि कोई कटरा का लड़का है और जिसने ये गाड़ी चढ़ाई है वो नशे में था और नशा वहां बेच भी रहा था, और जब मोहल्ले के लड़कों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने पहले वो गाड़ी लेके भागा, फिर वापस आके इन लड़कों में चढ़ाई, कुछ लड़के तो बच गए, लेकिन जो करण देव लड़का था उसके ऊपर गाड़ी लगी और उसको सीरियस चोटें आई हैं। अभी उसको जम्मू लेके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको ले गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो भी हो रहा है, अगर एक करण देव एक मोजर शहरी है रियासी का, अगर उसको भी आते ही फर्स्ट एड के बाद कहा गया, फर्स्ट एड देने के बिना कहा गया कि इसको रेफर करना पड़ेगा, सीटी स्कैन नहीं है, पहला बहाना। बाद में सीटी स्कैन भी हुआ, उसके बाद सेकंड बहाना था कि सर्जन नहीं है। डॉक्टर सर्जन भी जब आए तो आए,
डॉक्टर ने चेक किया। अच्छा, पहले ये कहा गया दोनों केसेस में कि नहीं है, लेकिन फिर बाद में वो आए, उसके बाद फिर फिजिशियन भी आए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी कोई ENT का डॉक्टर नहीं है। कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक जाता वाला जिला है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों डॉक्टरों को यहाँ से अगर अटैच किया जाता है, उसमें किन लोगों की साजिश है, क्या उनकी मैलिफाइंट इंटेंशन है? अगर सिंगल सिंगल डॉक्टर किसी चीज का स्पेशलिस्ट है, उसको क्यों रियासी से बाहर किया जाता है? इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं आगे। अब फिलहाल हम ये भगवान से दुआ करते हैं कि करण देव ठीक ठाक हो जाए। अब हालत कैसी है? देखिए, अभी बहुत सीरियस है, उसको सिर में चोटें आई हैं, उसका गला पूरा सूज गया है, उसके मुंह में चोटें हैं और लहू लुहान हुआ पड़ा था वो। पुलिस आई थी? पुलिस को जब हमने किया, पुलिस बिल्कुल आई थी मौके पे, पुलिस अभी वहां भी मौके पे गई। करण देव सिंह जी ने बताया पुलिस को क्या हुआ था उनके साथ, स्थिति में है इस स्थिति में? देखिए, उससे पहले मैं बता रहा हूँ, करण देव का मुझे फोन आता है, वो कहता है कि कोई हमारे मोहल्ले में नशा बेच रहा था, हमने उसको पकड़ा है, थाने में इन्फॉर्म करो। मैंने SHO साहब रियासी को फोन किया, उन्होंने कहा। फोन आपने किया था? मैंने किया, मेरे फोन होने के पहले फोन आपने कर दिया? बिल्कुल, वहाँ पुलिस अभी रास्ते में थी, मुझे 2 मिनट बाद में करण को पूछ रहा था कहाँ भेज रहा है, करण का फोन नहीं मिला। मुझे वहीं से एक हमारे मित्र का फोन आया कि करण देव सिंह बहुत सीरियस है, किसी गाड़ी वाले ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। फिर हमने पता किया, उसको रियासी हॉस्पिटल में लाया हुआ था, उसकी हालत बड़ी नाजुक है। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी इसमें बंदा है, पुलिस अपना पूरी कार्रवाई करे, लेकिन सबसे अफसोस की बात है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के अंदर गंद पड़ा हुआ है, उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एम्बुलेंस के लिए भी हमें 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा। 108 पे हम फोन कर रहे थे, पहले तो कह रहे थे कि एम्बुलेंस से गई है, बाद में कहने लगे 1 घंटा वेट करो, आधा घंटा वेट करो। अभी हमें एम्बुलेंस मिली है, उसको जम्मू भेजा है। अभी GMC जम्मू भेजा है या नारायणा, कहाँ पे जाएंगे वो? नहीं, जम्मू GMC रेफर किया है, क्योंकि उसमें रेफर जब किया लिखा नहीं था कहाँ जाना है, ये नहीं लिखा गया था कि प्राइवेट में जाओ या वहाँ जाओ। फिर मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब आपने रेफर कर दिया, जाना कहाँ है? फिर उन्होंने GMC उस पर लिखा है, अभी उसको GMC भेजा गया है। और मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, क्योंकि नशे को लेके अगर कोई युवा आगे आ रहे थे, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनपे ऊपर ये जो कातलाना हमला हुआ है। तो PSA की भी क्या मांग रहेगी, क्योंकि पहले भी सख्त से सख्त कार्रवाई। ऐसा बंदा जो एक तो नशे का तस्कर है और ऊपर से उसने कातलाना हमला किया, जो सब कुछ आपके सामने है, आपने भी अभी पेशेंट को देखा है किस तरीके से वो लहू लहान हुआ पड़ा था। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। धन्यवाद। जी जी, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए, तो एक दो सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। एक तो हमला होता है महादेव रियासी में, गाड़ी के साथ हिट किया जाता है, और उसके साथ ही जब अस्पताल में उन्हें इंजर्ड करणदेव सिंह को लाया जाता है, तो यहाँ पर सही से इलाज नहीं मिलता, ये भी आरोप है। एडवोकेट पवन देव सिंह, ये भी भाजपा से वाबस्ता है, वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट रियासी के, पवन देव सिंह जो अभी अपनी बात रख रहे थे, और जो इंजर्ड हुए हैं करण देव सिंह, वो भी BJP से वाबस्ता हैं। और जब इस अस्पताल में लाया गया, तो इनके अनुसार एम्बुलेंस भी देरी से मिली, और भी तमाम जो इलाज मिलना चाहिए था जिस तरह से वो नहीं मिला है। और PSA की मांग जो है वो एडवोकेट पवन देव सिंह और बाकी लोग जो हैं वो कर रहे हैं कि PSA लगाया जाए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से जो नशा तस्कर है, जो नशे का कारोबार करते हैं, उन पर PSA लगाए जा रहे हैं। और इस अगर जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि राकेश जो है कटरा का रहने वाला है, वो नशा तस्कर है और नशा करता भी है और बेचता भी है, ऐसा लोगों का कहना है, और उसी ने ये हमला जो है वो किया है, और उस पर कार्रवाई जो है वो की जाए। तो चलिए, SHO रियासी BJ शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं, और लोग उन्हें इस घटना के बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए, आप देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई राकेश पर होती है, और अस्पताल प्रशासन पर भी कई सवाल जो हैं यहाँ मौजूद लोग उठा रहे हैं। एक बार फिर जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता दें कि महादेव में एक हिट एंड रन का मामला सामने आता है, जिसमें करण देव सिंह जो कि महादेव के रहने वाले हैं, पुत्र स्वर्गीय स्वर्ण सिंह, आयु करीब 40 वर्ष, वो घायल हो जाते हैं, एक कार द्वारा उन्हें हिट किया जाता है, और हिट करने से पहले जो है वो कुछ कहा सुनी होती है। जो हमारी जानकारी है, राकेश जो है अपनी कार जो है रोड पर लगाता है, और उसे कार साइड पर करने के लिए कहा जाता है, कुछ इस तरह का घटनाक्रम जो है वो वहां पे हुआ था।
जो स्पष्ट तौर पर पूरी जानकारी जो है वो पुलिस जांच के बाद ही पता लग पाएगी। उसके बाद वहां पर कहा सुनी होती है और राकेश अपनी कार लेकर पहले तो नीचे सिला की तरफ जो चौक है महादेव सिला चौक वहां पर जाता है और फिर ऊपर मंदिर की तरफ आ रहा होता है और मध्य में जब सिला और महादेव चौक और मंदिर के बीच में जो सड़क है पास में जो सड़क है मुख्य सड़क है उसके मध्य में ही हिट उसके द्वारा करणदेव सिंह को किया जाता है। करणदेव सिंह जो कि पैदल वहां से गुजर रहे थे अपनी घर की तरफ वापस जा रहे थे और उससे पहले एक और लड़के पर कोशिश की जाती है हिट करने की कार से लेकिन वो वहां जंप कर किसी तरीके से बच जाता है लेकिन करणदेव सिंह को हिट कर दिया जाता है। जो दूसरा शख्स था जिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई वो जब उनके बीच कहा सुनी हो रही थी तो वो बीच में इंटरफेरेंस वो कर रहे थे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए शायद उन पर भी कार चढ़ाने की कोशिश की गई। तो महादेव रियासी में एक कार द्वारा करणदेव सिंह जो महादेव रियासी के रहने वाले हैं उनको हिट किया गया। प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल रियासी लाया गया। यहां पर भी लोगों का आरोप है जो यहां पे लोग पहुंचे काफी संख्या में लोग यहां पहुंचे कि सही से इलाज नहीं मिला और अब उन्हें जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया है क्योंकि गले में चोटें बताई जा रही हैं सर में चोटें बताई जा रही हैं तो ऐसे में यहां पे रहना सही नहीं रहता इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। तो चलिए फिलहाल इस लाइव कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।